कटनी में सर्वदलीय टीम ने जिला जन अधिकार मंच के साथ मिलकर मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने घंटियां बजाते हुए, थालियां पीटते हुए और सभी सदस्यों ने अपने अपने सीने पर मेडिकल कॉलेज की मांग के पोस्टर चिपकाकर शहर भर में भ्रमण किया। मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर रोज नवाचार किया जा रहा है। अलग अलग तरीकों से सरकार तक अपनी आवाज पहुँचाने के लिए समाज सेवी संस्थाएं कार्य कर रही है। वहीं कटनी में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर स्टेशन चौराहे से आजाद चौक तक सर्वदलीय टीम ने जिला जन अधिकारी मंच के साथ मिलकर घंटियां बजाते हुए, थालियां पीटते हुए और सभी सदस्यों ने अपने अपने सीने पर मेडिकल कॉलेज की मांग के पोस्टर चिपकाए और शहर भर में भ्रमण किया। कांग्रेस के पूर्व विधायक नीतीश पटेल ने इस मुहिम का खुलकर समर्थन किया और समाज सेवी पार्टी व अन्य समाज सेवी संस्थाएं इस प्रदर्शन में शामिल रहे। वहीं इस मुहिम में अब आमजन व दुकानदारों को जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है। जिला जन अधिकारी मंच के सदस्य दुकानदारों को चलते चलते मांग की प्रतियां दे रहे हैं। जिला बार संघ अध्यक्ष अमित शुक्ला ने स्वयं पर्चा बांटते हुए लोगों को इस मुहिम से जुड़ने का आह्वान किया। बहुत जरूरी मांग थी कटनी की, जो कि पूर्व में भी घोषणाएं की गई थी, आज तक नहीं हुई है। हम सभी दल के लोग एक साथ इस मांग को पूरी करने के लिए और निरंतर प्रयास रहेंगे कि अति शीघ्र कटनी जिले को मेडिकल कॉलेज मिले और जो झूठी घोषणाएं करके प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा जी गए, वो अपनी घोषणाएं अति शीघ्र पूर्ण करें। ये हम लोगों की मांग है। जो कार्यक्रम सिर्फ जनता को जगाने के लिए है, इस आंदोलन में वो आपका आंदोलन है, आप भी आंदोलन में सम्मिलित हो और इस कार्यक्रम में हम लोग अभी लगातार आगे बढ़ेंगे। ये हमारा मुहिम है, मेडिकल कॉलेज लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।